प्रजापति, आप लोगों का आदर्श क्लासेस में स्वागत है। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 एंड 2 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसके क्वेश्चंस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया, इसका कंसेप्ट भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएँ जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हो स्टूडेंट की सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब हमने बताया था स्टूडेंट्स कि किसी एक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन पुट करो, फिर उसको बना लो एक सिंगल वेरिएबल में आपका इक्वेशन आ जाएगा, फिर वहाँ से उस वेरिएबल के वैल्यू को निकाल करके पहले वाले इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर देना है, देन आफ्टर आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कम्प्लीट। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सब क्वेश्चंस तो नहीं बताएंगे क्योंकि सब क्वेश्चन को तो एक ही मेथड से बनाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, तो हम एक या दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस को आप खुद करके देखें। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो पहला इक्वेशन देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू जो 14 है वहाँ से x की वैल्यू निकाली गई है y के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो अब इस x की वैल्यू को किस में पुट करना है, 2 में। तो देखिए क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 आपके पास ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, तो x की जगह पे आपको 14 माइनस वाई, देखिए 14 माइनस वाई, तो आप सब देखेंगे माइनस वाई माइनस वाई माइनस 2 वाई, ये 14 को इधर लेके आ जाइए। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 14 को जब उधर लेके जाएगा तो माइनस 14 आ जाएगा, यानी 4 माइनस 14 तो माइनस 10, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि 10 इज इक्वल टू 2 वाई। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 2, सॉरी y की वैल्यू कितनी आई, 5। फिर इस y की वैल्यू को आप क्या करो, इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो जहाँ से आपने x की वैल्यू को निकाला था y के फॉर्म में, जब आप वहाँ पुट करोगे तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो आपके पास x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5 निकल के आ गया स्टूडेंट। ठीक है, देखिए सेकंड प्रॉब्लम स्टूडेंट, सेकंड प्रॉब्लम में x माइनस टी इक्वल टू 3 है और x बटे 3 प्लस टी वाई 2 इज इक्वल टू 6 दिया हो, तो पहला इक्वेशन जो है अगर वहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल रहे हैं टी के फॉर्म में, तो x इक्वल टू टी प्लस 3 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, जब इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आ जाएगा, देखिए टी प्लस 3 अपॉन 3 प्लस टी वाई 2 इक्वल टू 6, तो यहाँ से टी का वैल्यू आपके पास 6 आ गया और इस टी की वैल्यू को आप क्या करो, इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एक्स का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, 9। तो इस प्रकार से जो है हम लोग दोनों वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आपने देखा ही होगा है ना, पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करो, फिर उस वैल्यू को आप क्या करो दूसरे इक्वेशन में उसको पुट कर दो, तो वहाँ से आपका एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है, फिर उस वेरिएबल का वैल्यू जिसमें आपने पहले उसको सॉल्व किया था उसी में पुट कर दो, तो सेकेंड वेरिएबल का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ेंगे, इस प्रकार से सब क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व करना और यहाँ से m की वैल्यू निकालनी, y के लिए कंडीशन क्या दी हुई है, mx प्लस 3 दी हुई है, यानी कि जब तुम x और y की वैल्यू निकाल लोगे तो इसमें पुट कर देना, ये जो रिलेशन है ना इसमें पुट कर दोगे तो वहाँ से आपके पास m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व किया गया, पहला इक्वेशन जो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3y माइनस में जाएगा और 2 डिवाइड में जाएगा, तो 11 माइनस 3y पॉइंट 2 आ गया, और इस x की वैल्यू को क्या करो इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर दो, पुट। तो जब पुट किया गया तो y की वैल्यू कितना आ गया, 5, और इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो तो वहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गया आपके पास माइनस 2। ठीक है, तो अब इस x और y को आप क्या करो, इस x और y को पुट कर दो, जो हमारे पास y इज इक्वल टू रिलेशन था mx प्लस 3 उसमें पुट कर दिया जाएगा। तो देखिए mx प्लस 3 जो था तो इसमें पुट कर दिया, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। तो इस प्रकार से आपके पास m की वैल्यू निकल गया। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या लिखा हो स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हो फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने हैं ये सभी प्रॉब्लम्स का, फिर एक एक करके क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा उनको सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज है ना 26 एंड वन नंबर इज थ्राइस द अदर, मतलब पहला नंबर दूसरे वाले का तीन गुना है, तो फाइंड देम। तो देखिए दोनों नंबर का डिफरेंस जो था ठीक है वो 26 था, तो क्या लिखा है फर्स्ट नंबर को x माना, सेकंड नंबर को y माना, तो y को क्या माना है x से बड़ा, तो y को जब x से बड़ा माना है तो y क्या हो जाएगा 3 टाइम ऑफ x के बराबर, और क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ था 26 तो y माइनस x इक्वल टू 26, यहाँ से y की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया गया तो 3x माइनस x यानी x इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास 13, और उस x की वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगा 39। ठीक है, ये हुआ पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स, दूसरा में लिखा हुआ द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स है, सप्लीमेंट्री एंगल्स में एक बड़ा एंगल एक छोटा एंगल है, तो जो बड़ा एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल का कितना ज़्यादा एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि छोटे वाले एंगल से बड़ा वाला एंगल जो है 18 ज़्यादा है, तो कुल मिलाकर उन दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री दिया हुआ और दोनों का सम दोनों एंगल का सम 180 है क्योंकि सप्लीमेंट्री है, हाँ तो सप्लीमेंट्री है ना तो 180 आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री का 90 होता है, तो फाइंड देम, तो उनको क्या करना है फाइंड करना है। तो आइए देखिए अगर आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखें तो पहला बड़े वाले एंगल को एक्स माना है, छोटे वाले एंगल को वाई माना है, तो वी नो दैट सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ 180 होता है, तो दोनों एंगल का सम 180, डिफरेंस कितना 18, तो पहले वाले को सॉल्व किया गया x के फॉर्म में यानी 180 माइनस वाई, तो x की वैल्यू को दूसरे वाले में पुट कर दीजिए तो यहाँ से माइनस 2y इक्वल टू 180 माइनस 2y इक्वल टू 18, तो कुल मिलाकर के y का वैल्यू 80 बनाया, फिर y की वैल्यू को क्या करो पहले वाले इक्वेशन यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन थर्ड था उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 99, तो कुल मिलाकर के हमारे पास एंगल्स कितने आ गए, एक तो 99 डिग्री आया और एक 81 डिग्री आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री को देखिए, थ्री में क्या लिखा हुआ है, थ्री में लिखा हो स्टैंड्स द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम है ना बाय 7 bats एंड 6 balls फॉर 3800, यानी कि क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 7 बल्ले और 6 बॉलें खरीदी हैं 3800 रुपये में, लेटर सी बायस उसके बाद भी उसने खरीदे 3 bats और 5 balls 1750 रुपये में, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, एक बैट और एक बॉल का कितना दाम होगा ये आपको बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए कॉस्ट ऑफ द बैट एंड बॉल, बैट का दाम x, बॉल का दाम y, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 हो जाएगा और 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 हो जाएगा, तो पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो y का वैल्यू इतना आया और इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया गया, तो वहाँ से x की वैल्यू जब निकाली जाएगी तो इसको सॉल्व कर लो और, तो और ज़्यादा सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, और ज़्यादा सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5000। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5000 और y की वैल्यू कितनी आई 50, यानी कि बैट का दाम जो है 500 है जबकि बॉल का दाम 50 रुपये है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन को आप इजीली कर लेंगे स्टूडेंट्स, एक एक करके पढ़ते जाना और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हो गया। ठीक है, तो आप जो है सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, अगर जो क्वेश्चन नहीं प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में हमको रिप्लाई दें तो हम आपका सॉल्यूशन को ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।